होम साइंस में क्या है कि आप स्पेशलाइज इन न्यूट्रिशन कर सकते हैं इवन दो आपके पास साइंस नहीं थी अगर अब इसके अलावा जो और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं आउटसाइड ऑफ दिल्ली एंड वो है दोस्तों कैसे हो आप लोग तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज का वीडियो खास बना रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जो 12th के बाद नए करियर ऑप्शन की तलाश में हैं और करियर ऑप्शन है न्यूट्रिशन की दुनिया में जाने का या डाइटिशियन बनने का तो Quickly summarize कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है एग्जाम कैसे होगा फीस कितनी होगी और करियर ऑप्शन क्या है साथ ही साथ पीजी करना है तो क्या करना चाहिए तो दो भागों में डिवाइड करेंगे इसको और वो है कि डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन में और समझाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं तो सवाल ये है की हाउ टू बिकम अस्ट आफ्टर टेन प्लस टू तो इसके दो तरीके हैं पहला है कि आप थ्री ईयर्स का ग्रेजुएट प्रोग्राम करिए और या फिर दूसरा तरीका है कि आप टू ईयर्स का डिप्लोमा करिए तो मैं बताऊंगा कि किन लोगों को ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहिए सो so प्रेफरेबली अगर आपके पास साइंस है बायोलॉजी है आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपके लिए इजी होगा कि आप डिग्री प्रोग्राम को इजीली परस्यू कर पाएंगे तो ज्यादातर जो ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं वो है बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन बीएससी होम साइंस बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन तो बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप बात करते हैं तो इसका एक और ऑप्शन अवेलेबल है वो है इंजीनियरिंग तो आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और बी एस सी होम साइंस को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सभी में आपके पास टेन प्लस टू में साइंस होनी चाहिए अब वो मैथ्स भी हो सकती है बायो भी हो सकती है लेकिन साइंस होनी चाहिए होम साइंस में क्या है कि आप स्पेशलाइज इन न्यूट्रिशन कर सकते हैं इवन दो आपके पास साइंस नहीं थी अगर टेन प्लस टू में भी तो भी आप दो साल जो है अपना नॉर्मल होम साइंस पढ़ के आप फाइनल ईयर में न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं अगर आपने बी कर लिया है तो एमएससी कर सकते हैं आप पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में एमएससी कर सकते हैं फूड साइंस में तो उसके बाद पी कर सकते हैं तो अगर आप लेक्चर टाइप की जॉब या फिर आप एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप इस लाइन में आगे पढ़ाई कर सकते हैं अदरवाइज आप बी के बाद भी जॉब शुरू कर सकते हैं और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा जो आपको बी के बाद मिल सकती है अब अगर आपके पास मैथ्स नहीं है साइंस नहीं है कॉमर्स है आर्ट्स है तो आप डिप्लोमा की तरफ बढ़ सकते हैं डिप्लोमा में डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स होता है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी होता है और इसके बाद पीजी डिप्लोमास भी होते हैं तो यहाँ पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं दो साल का साथ ही साथ अब आप पे डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट से आप बी कॉम कर सकते हैं आप बीए कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंट से और साथ ही के साथ आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं चाहे तो आप फुल टाइम भी बी कॉम बी कर सकते हैं और ए डिप्लोमा कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अगर आप बी की तरफ जाते हैं तो बी तो ऑब्वियसली आपको पता है एक ही ग्रेजुएशन एक टाइम पर जनरली आप करेंगे और कई यूनिवर्सिटीज आपको अलाव ही नहीं करती हैं तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट करियर बी या बी की से आप लेक्चरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं यहाँ पे टूर्स में आप अगर नॉन साइंस स्टूडेंट भी हैं तो भी आप अपने करियर पाथ को यहां पे ले जा सकते हैं और ऑप्शनल भी रख सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि आपने मन तो बना लिया कि आपको इस लाइन में जाना है लेकिन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कहाँ से डिप्लोमा करें तो मैं आपको कुछ कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहा हूँ सो एम्स है आपका जे है डी है जो कि जनरली आपको एनसीआर दिल्ली एनसीआर रीजन में मिलेंगे तो वो यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसमें आपको डाइटिशियन यानी कि डाइटेटिक्स के अंदर और न्यूट्रिशन के अंदर अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चलाते हैं तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज है जो अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चलाती हैं और इन सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है अब इसके अलावा जो और अच्छी यूनिवर्सिटी हैं आउटसाइड ऑफ डेली एनसीआर वो है गुरु जम्बेश्वर बनस्थली विद्यापीठ जीबी पंथ यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो इनके अंदर भी बहुत ही बेहतरीन आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के अंदर और nutrition से संबंधित जितनी भी लाइंस हैं उसके अंदर जनरली लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इनका मोड होता है तो जनरली इंग्लिश ही होता है यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हो तो मोड ऑफ पढ़ाई करवाने का मेथड होता है वो इंग्लिश ही होता है और जैसा कि मैंने बताया ज़्यादातर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हो तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक मानव रचना तो ये भी अपने ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं और यहाँ पे शायद आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी या फिर आप अगर कोई इनका एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो कुछ स्कॉलरशिप्स भी देते हैं तो वो भी आप ऑप्शन देख सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आजकल इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज़ करवा रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके साथ आप जा सकते हो इस कोर्स को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियंस की जरूरत होती है क्योंकि इस सब को करने के बाद एक डाइटिशियन का लाइसेंस भी लेना पड़ता है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा लेकिन लेकिन अभी हम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सेंटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल इन सब में न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत होती है या फिर हेल्पिंग हैंड की तरह न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत होती है तो कोई बड़ा डॉक्टर है तो आप उसको असिस्ट कर सकते हो तो ये सब चीजें आप हेल्थ केयर से रिलेटेड गवर्नमेंट प्राइवेट के अंदर कर सकते हो अब आ गई जिम स्पोर्ट्स क्लब आपको पता ही अगर आप जिम जाते हो तो वहां पे वहां पे भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो आपके डाइट प्लान बनाने में हेल्प करते हैं या फिर ट्रेनर्स को ट्रेन करने में हेल्प करते हैं कि कैसे डाइट प्लान बनाया जाए तो आप इनके साथ टाई अप कर सकते हो अपना सेंटर खोल सकते हो लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और फिर इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर टेम्प्रेरी और फुल टाइम जॉब्स आती हैं तो उसके ऊपर नजर रख के उनमें भी अप्लाई कर सकते हो और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो मेडिसिन इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं जहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होती है फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन मैनुफैक्चरिंग हो रही है सप्लीमेंट मैनुफेक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स इन लोगों के लिए होती हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी होती है न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन किया होता है अब लोग पूछते हैं ऐसी कोर्स फीस कितनी होती है कोर्स फीस बहुत वेरी करती है अगर आपने अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्रैक कर लिया है तो आपकी फीस काफी कम होगी आप शायद एक लाख रुपए में पूरे तीन साल का कोर्स कर लोगे लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हो या फिर आप कोई बहुत दूर आप, आप लो, लोकेट करते हो तो हो सकता है आपकी हॉस्टल फीस मिला के वो फीस बढ़ जाए एक से दो लाख दो से तीन लाख पहुंच सकते आप बिल्कुल ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो जैसे कि मानव रचना और आप स्कॉलरशिप भी नहीं निकाल पाते तो हो सकता है आपके पाँच सात लाख रुपए भी खर्च हो जाए अब अगला क्वेश्चन है क्या हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं तो डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं सपोज करो आप बी ए बी कॉम कर रहे हो किसी और शहर से जैसे कि आप ऋषिकेश में रहते हो और वहां पे आप बी ए बी कॉम कर रहे हो तो डिस्टेंस लर्निंग से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको डिस्टेंस लर्निंग से दो साल के प्रोग्राम कराती हैं एक साल के प्रोग्राम कराती हैं उसके लिए जैसे इग्नू एक एग्जाम्पल है मैंने अलग अलग वीडियोज बनाए हुए हैं इसके ऊपर तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हो तो डिस्टेंस लर्निंग भी एक ऑप्शन है इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे हो या बी कॉम कर रहे हो बी ए कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम में आके अपने जानकारी को शेयर कर सकते हो कि मैं न्यूट्रिशन का प्रोग्राम कर रहा हूं मैंने ये पढ़ाई करी है आप ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो लोगों की हेल्प कर सकते हो तो इससे आप अपना ब्रांड बना सकते हो और जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप शायद एक अपने एरिया का अच्छा ब्रांड बन जाओ और आपके पास एक सर्टिफिकेशन भी हो तो आप अपना काम भी अपना करियर भी वहां से स्टार्ट कर सकते हो तो दोनों ही अगर आप एनसीआर में हो मेट्रो सिटीज में हो तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप छोटे शहर में हो तो भी आपके लिए बहुत सारे हैं, क्योंकि आने वाले सालों में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अब मिड एज की तरफ बढ़ती जाएगी जो लोग ट्वेंटी में थर्टीज में आएंगे सबको अपनी फिटनेस की फिक्र होती है बच्चे बॉडी बिल्डिंग और एथलेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं और एथलेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है जो लोग जिम जाते हैं जो लोग फिटनेस से संबंधित खेलों में जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी डाइटिशियन न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी एक स्कोप है जो है मैंशन नहीं किया है मैंने

डिग्री नहीं करना चाहते तो सर्टिफिकेशन की तरफ पढ़ सकते हैं डिप्लोमास की तरफ पढ़ सकते हैं पर ये सारी जानकारी मैंने एक प्ले में जो एजुकेशन फिटनेस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है वहां पे डाली हुई है तो सब्सक्राइब करिए उन प्ले को देखिए बार बार देखिए नोट्स बनाइए और अपने करियर का डिसीजन लीजिए तो ये था मेरा आज का वीडियो मिलते हैं दोबारा गुड बाय